वक्त हुआ हादसा, पांच लोगों की कार गहरी खाई में गिरी, तीन की मौत, दो घायल। पांवटा साहिब में गुंडागर्दी और अपहरण के बड़े मामले, कुछ लोगों ने दिन दहाड़े व्यक्ति को किया किडनैप, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। नालागढ़ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ की बैठक, वरिष्ठ नागरिकों को आ रही समस्या, सरकार से की बकाया भत्ते की मांग। मेस्ट्रो स्पोर्ट्स एसोसिएशन पांवटा साहिब में 8 से 10 दिसंबर तक हॉकी प्रतियोगिता करेगा आयोजित, सोलन हॉकी क्लब होगा प्रतियोगिता में हिस्सा, लगभग 25 से 30 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। हिमाचल में बर्फबारी ओलावृष्टि के बाद खिली धूप, बर्फ देखने की चाहत में पहाड़ों का रुख कर रहे पर्यटक, रोहतांग और दारचा हाईवे बहाल। नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो रुक करेंगे बड़ी जानकारी की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, एक साल के कार्यकाल पर बोले हैं सीपीएस संजय अवस्थी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुक्खू सरकार ने सराहनीय काम किया है, ये आपको बता दें कि संजय अवस्थी की ओर से कहा गया है आर्थिक बदहाली के बावजूद गारंटियां यहां पर पूरी की गई है, आपदा के समय भी में भी यहां पर जो विपक्ष है वो राजनीति कर रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं संजय अवस्थी की ओर से। कई बड़ा बयान निकल करके यहां पर सामने आया है, आर्थिक बदहाली के बावजूद भी यहां पर सुक्खू सरकार ने गारंटियां पूरी की है, ये सीपीएस संजय अवस्थी की ओर से ये बयान निकल करके सामने आया है। ये राजधानी शिमला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, पहली कैबिनेट में ओपीएस की बहाल, 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना की यहां पर शुरुआत की, सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी यहां पर शुरू की गई, आपदा के समय में भी विपक्ष लगातार यहां पर राजनीति कर रहा है, ये संजय अवस्थी की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। ना कर गए, आपने देखा कि किस तरह से आनन फानन में चुनाव से कुछ समय पूर्व, कुछ दिनों पूर्व जो है उन्होंने घोषणाएं करी, बहुत से संस्थान खोले गए, ऐसे संस्थान खोल दिए गए जिसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं था, पोस्ट क्रिएशन नहीं की गई, फाइनेंस से मंजूरी लेनी होती है, और आधे अधूरे संस्थान जो है वो घोषणा करके मात्र भ्रमित किया उन्होंने प्रदेश की जनता को, ठगा प्रदेश की जनता को, ठगा। और उसके बाद जब सरकार बदली, जनादेश कांग्रेस को मिला, प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आगे जो हमारी अपनी जो योजनाएं, नई योजनाएं हमने जनहित की जो लाई, बजट सेशन में आपने देखा कि जो फोकस था वो हमारा फोकस था रेवेन्यू जनरेशन पर, और ख़ास तौर पर जो हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार के साधन सृजित करने की योजनाएं थी, हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण की दृष्टि से ग्रीन हिमाचल के रूप में विकसित करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था, जिसके तहत इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो हर विभाग में और हिमाचल प्रदेश में जो डीजल और पेट्रोल के व्हीकल्स चल रहे हैं उनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में परिवर्तित करना, जिसके तहत जो ग्रीन हिमाचल का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का था उसको पूरा करने का एक शुरुआत की गई। और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र की जो आर्थिकी को बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ योजनाएं लाई गई, शिक्षित जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके लिए 680 करोड़ रुपए की जो स्टार्टअप की योजना थी वो हमने 10 गारंटी योजनाओं में लाई थी। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी आ रही है लोकसभा चुनाव की टिकट की यहां पर होड़ शुरू हो गई है, शिमला लोकसभा सीट से पेश किया गया है दावा, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष ने कहा है कि 3 साल संगठन को दिए पार्टी जताए विश्वास तो खरा उतरूंगा, ये अमित नंदा ने बयान दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, केंद्र सरकार पर यहां पर आरोप भी लगाया है आपदा के समय में केंद्र से नहीं मिली कोई मदद, तो यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से यहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है, केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है आपदा के समय में केंद्र से नहीं मिली कोई मदद। प्रदेश सरकार का एक साल का यहां पर कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा, ये कई बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, यहां पर लोकसभा के चुनाव के लिए भी यहां पर लगातार टिकट को लेकर यहां पर हुड़ मची हुई है,
तीस साल संगठन को दिए, ये शिमला से बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। पार्टी जताए विश्वास तो खरा उतरूंगा, ये अमित नंदा की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। जो है लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरी तैयारी इस विषय पे कर रही है। उसके साथ साथ जो जिम्मेवारी मुझे कांग्रेस पार्टी ने दी है अनुसूचित जाति विभाग की, हमने भी जो है इसको जो है सेक्टर्स में, हमने जिला परिषद वार्ड लेवल के हमने जो है सेक्टर्स बनाए हैं और हम जो है इसमें हम नियुक्तियां करके इसमें प्रभारी लगाने की जो है बहुत जल्दी हम इसको नोटिफिकेशन कर दें। कांग्रेस की सरकार का एक साल जो है 11 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है और एक साल के जो कार्यकाल है उसका एक जो एक रैली है वो धर्मशाला के अंदर रखी गई है। तो मैं आप सब मीडिया बंदियों के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा सभी श्रोताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप से हमारे अनुसूचित जाति विभाग के जितने भी कार्यकर्ता हैं और ऑफिस बेयरर्स हैं कि भारी से भारी संख्या में जो है उस कार्यक्रम में आप लोग पहुँचे और जो एक साल हमारा सरकार का है उस को जो है उसको उत्सव की तरह धर्मशाला के अंदर मनाएं। राजधानी शिमला से एक और बड़ी जानकारी आई, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। एक साल के कार्यकाल पर बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का यहां पर हमला देखा गया है। 11 दिसंबर को भाजपा करेगी जिला स्तरीय प्रदर्शन, कहा है राजीव बिंदल ने कि कांग्रेस का एक साल निराशाजनक रहा है। 11 दिसंबर को बनी थी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, अविरोध दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी, ये राजीव बिंदल की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम करने की यहां पर अपील की गई है। झूठ बोलकर सत्ता में आई है कांग्रेस, ये राजीव बिंदल ने कहा है। एक बार फिर से बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने यहां पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का एक साल निराशाजनक रहा, अविरोध दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार की सारी गारंटियां यहां पर फेल हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में 11 दिसंबर 2022 को कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई। 11 दिसंबर 2023 को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। ये एक वर्ष हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा साल है जब विकास पिछड़ गया। हिमाचल प्रदेश जो विगत 5 वर्षों में तेज गति से आगे बढ़ रहा, उसके सभी कार्यों को बंद करने का श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है। 1500 से ज्यादा संस्थान जो भाजपा सरकार द्वारा खोले गए थे, जनहित में खोले गए थे, जनता की सुविधा के लिए, जनता की मांग पर खोले गए थे, उन संस्थानों को बंद करने का एक अन्यायपूर्ण कार्य इस वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार ने और इस एक साल के अंदर हिमाचल प्रदेश को बहुत पीछे ले जाकर के खड़ा, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से बिखर गया। हमारे सामने है चंबा के अंदर जिस तरह नृशंस हत्याकांड हुआ, एक दलित बालक और उसके टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिए जाते हैं, ये चंबा से लेकर के सिरमौर तक लगातार हत्याओं का क्रम, बलात्कार का क्रम, बहनों के साथ छेड़छाड़ का क्रम लगातार बढ़ता जा रहा। नशे के मामले सर्वाधिक पिछले एक साल के अंदर हुए। जिस तरह से हमीरपुर जिला में एनआईटी के अंदर और नशे का मामला सामने आए, युवाओं के और मृत्यु के ग्रास बनना पड़ा है, बड़ा चिंतनीय। अर्थात लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गया, विकास बंद हो गया, केवल और केवल केंद्र सरकार की योजनाओं के आधार के ऊपर चलने वाले विकास कार्य चल रहे हैं,
अन्यथा हिमाचल प्रदेश बैकफुट के ऊपर आकर के खड़ा हो गया। हिमाचल सरकार और कांग्रेस संगठन में सियासी पारा लगातार यहां पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सियासी हमले के बाद शीत युद्ध खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि 11 दिसंबर को होने जा रहे कांग्रेस सरकार के एक साल के कार्यक्रम के लिए उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, न कि सीएम सुक्खू ने उनके साथ कोई बैठक की है। प्रतिभा सिंह के इस बयान के बाद सरकार और संगठन के बीच यहां पर शीत युद्ध खुलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर संगठन को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने में कठिनाइयां होगी। अब एक साल का ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया, ना मुझे पता है कि किस तरीके से सरकार इसकी तैयारी कर रही है। फिर मैम बात की जाए, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार जो है बैठकें भी कर रहे हैं, क्या आपके साथ भी कोई बैठक अभी तक हुई है, कोई आपके साथ चर्चा इस बारे में हुई है? नहीं, मुझे उन्होंने ना इंटीमेट किया है ना मुझे पता है, पर मुझे ये लगता है कि देखो आखिरकार सरकारें भी संगठन के द्वारा ही बनती हैं, संगठन ने काम किया तभी सरकार हमारी बन पाई है। शिमला में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ पिछले 41 दिनों में अपनी मांग को लेकर यहां पर धरने पर बैठे हैं। संघ ने आज सचिवालय के बाहर धरना दिया है, साथ ही सीएम के समक्ष यहां पर मुद्दा उठाया है। दरअसल राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के बैकलॉग भर्ती को एकमुश्त भरने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ले रही है, जिसको लेकर अब संघ ने मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने को यहां पर कहा है। सर, मुख्य मांगे जो हमारी है पूर्व से चलती आ रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी अमल नहीं हुआ। लेकिन हमारी जो 16 तारीख की एक रैली थी जिसमें कि चक्का जाम हमने किया था, उसके बाद हमें आश्वासन दिया गया था सीएस साहब के द्वारा, उन्होंने ये कहा था कि 24 से 30 और 1 तारीख की डेडलाइन दी जाती है आपको, 1 तारीख को हर हाल में आपके साथ बैठक की जाएगी, जिसमें कि वेलफेयर सचिव भी होंगी और अन्य सचिव भी होंगे और मैं खुद भी उसमें रहूंगा। लेकिन वो जो उनका वादा था वो झूठा निकला, उन्होंने ये कहा था कि मैं मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो इतना तो आप कम से कम मान ले कि मैं ये काम कर लूंगा और क्या कहते हैं 1 तारीख को आपकी बैठक हो ही जाएगी। इसके लिए 4-5 लोग और थे हम लोग, और साथ में SP साहब भी थे। तो हमारी मुख्य मांग है बेरोजगारी और भर्ती मेला, जो बैकलॉग है उसको भर्ती मेले के थ्रू भरा जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जलंधर में पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने बसों की आवाजाही को बढ़ाने, नशे की समस्या को रोकने और अवैध माइनिंग की समस्या पर मिलकर एक्शन लेने जैसे कई मुद्दों पर यहां पर बातचीत की है। साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पंजाब और हिमाचल धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, उन्हें बेहतर यातायात की सुविधा दें इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। धार्मिक पर्यटन को लेकर HRTC और पंजाब रोडवेज की बस सेवा का आदान प्रदान अधिक हो। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा है कि बढ़ता नशा देवभूमि को अपनी चपेट में ले रहा है, पंजाब से नशा तस्कर बड़ी संख्या में आते हैं, ऐसे में दोनों प्रदेशों को नशे के विरुद्ध सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग तो बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो आप तो चुनाव हार चुके हो, आप क्या नसीहतें दे रहे हो? आप यहाँ लीड कर रहे थे, आपने चुनाव हारा, यहाँ पे सरकार बनी। मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पे बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं आपसे डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ और आप मुझे बार बार उस तरफ को ले जा रहे हैं, लेकिन पर आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो है 1 साल पहले चुनाव हुआ है, मैंडेट जो है आपके खिलाफ आया, हमने 40 सीटें हासिल की, आगे को चुनाव होंगे ठीक है तब देखेंगे, लेकिन दूसरे राज्यों को लेके जो है यहाँ पे ढोल पीटना, यहाँ पे बाजा जो है नगाड़े बजाना, यहाँ पे पटाखे फोड़ना, तो ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि यही सत्ता पे काबिज हो गए हो।
धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। 19 से 23 दिसंबर तक प्रस्तावित सत्र को लेकर विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। इससे पहले जिला प्रशासन की टीम ने विधानसभा परिसर तपोवन में सुविधाओं का जायजा भी लिया। तपोवन में शीतकालीन सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। इस बार शनिवार को भी सदन चलेगा। विधानसभा स्टाफ उखाड़ने समेत विधानसभा भवन को सजाने संवारने के साथ कई व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। शीतकालीन सत्र का आयोजन जो धर्मशाला में होता है वो आयोजित हो रहा है और ये विंटर सेशन की 5 सिटिंग होंगी और 19 दिसंबर पहली सीटिंग है और उसके बाद 23 तारीख तक ये सेशन चलेगा, यानी 5 सीटिंग इसमें होंगी और इन 5 सीटिंग्स में एक दिन प्राइवेट मेंबर्स डे है, जो थर्सडे है वो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है। खुलू और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने ढालपुर में डीसी आशुतोष गर्ग से यहां पर मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने नई कार्यकारिणी की तरफ से आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी चर्चा की। वहीं उन्होंने डीसी से मांग रखी कि जल्द से जल्द जेसीसी की बैठक आयोजित की जाए, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द से जल्द यहाँ पर समाधान किया जाए। ये हमारे जो चुनाव हुए थे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के, उसके बाद ये आज हम पहली बार डीसी साहब के पास यहाँ पहुँचे हैं, उपायुक्त कुल्लू महोदय के पास, और हमने इनसे मांग की है कि जो जल्दी हमें जेसीसी की मीटिंग के लिए बुलाया जाए और ताकि हम जो है जितने भी कुल्लू ज़िला के कर्मचारियों की जो समस्याएँ हैं जिनको वो काफ़ी समय से फेस कर रहे हैं उनको जो है वहाँ पर उनका हल हो सके, क्योंकि जेसीसी में आपको पता है कि सभी विभागों के प्रमुख वहाँ पे आते हैं, जिला प्रमुख, तो हर विभाग से जो भी हमारी समस्या हर विभाग के कर्मचारियों की होगी उनको हम उस पटल पर रखेंगे और हमें डीसी साहब ने कहा है कि भविष्य में जल्दी ही जो है जब भी संभव हो पाएगा हम जो है जेसीसी की मीटिंग करवाएंगे। चीन में बच्चों में फैली बीमारी के बाद हिमाचल में भी अलर्ट हो गया है। सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए सभी जिलों को अलर्ट रहने की यहां पर निर्देशित किया है। वहीं मंडी जिले के अस्पताल में सर्दियों के मौसम में ओपीडी में बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। इनमें अधिकतर केस सर्दी जुकाम और बुखार के हैं। डॉक्टरों की माने तो जोनल अस्पताल मंडी और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रोजाना 200 से 300 बच्चे ओपीडी में पहुंच रहे हैं। कॉलेज की एमएम डॉक्टर दीपाली शर्मा ने बताया है कि सर्दियों के सीजन में सर्दी जुकाम के मामले बढ़ जाते हैं। उन्होंने वायरल से बचने के लिए माता पिता को बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने और भीड़ भाड़ वाले इलाके में न ले जाने की यहाँ पर अपील की है। तो जो सीजनल है, सीजनल में तो आजकल पता ही आपको भी इन्फ्लुएंजा लाइक जो सिम्टम्स होते हैं लोगों में और रेस्पिरेटरी इलनेस बच्चों में पाई जाती है और मीडिया के थ्रू ही है, जिसके बारे में हमें ऊपर स्टेट से भी और सेंटर से भी गाइडलाइन थोड़ी आई है, उसके बारे में बिजली लेटर के लिए कहा हुआ, लेकिन नया वायरस ऐसा कोई भी ऐसा कोई रिपोर्टेड नहीं, ऐसा कोई नई वायरस की कोई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए हम जो डेली अपनी रिपोर्टिंग जो अपने पोर्टल पर कर रहे हैं और मेन जो है कंसर्न है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज होती है और ये मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि चाइना में कुछ जो रेस्पिरेटरी केस बच्चों में ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन वो उसके जो साइन सिम्टम है लाइक जो हमारे इन्फ्लुएंजा है रेस्पिरेटरी डिजीज दूसरी है तो उसी रिलेटेड माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया या जो ऐसे होते उसी के मिलते जुलते उसके सिम्टम है, तो ऐसा कोई नया वायरस तो अभी हमारे यहाँ कुछ है नोट नहीं किया गया ना इसके बारे में से कोई चीज़ है। हाँ इतना है कि हम विजिलेंट है, कुछ ऐसे कोई ऐसे केस बढ़ेंगे तो उसके बारे में हमारे पूरी इंतजाम किया हुआ। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा, तो हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, इसको लेकर पार्टी आलाकमान मंथन करेगी। इस दौरान नरेश चौहान ने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार ने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन लाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सरकार के लंबे समय से लंबित पड़ी ओपीएस की मांग को बहाल किया और सरकार धीरे धीरे अपनी सभी गारंटियां को यहां पर पूरा करेगी।
देखिए स्वाभाविक तौर पे जो कल परिणाम आए हैं, 5 राज्यों के थे, आज 4 के कल आए हैं, उसमें जो एक माहौल लग रहा था और जो आप ये समझें कि राष्ट्रीय स्तर पे सर्वे की बात कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, हर जगह से एक ऐसी उम्मीद थी कि अच्छा करना, कांग्रेस को एक उम्मीद थी, लेकिन परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। उसके ऊपर पार्टी हाईकमांड निश्चित तौर पे मंथन करेगा, उसको जानने का प्रयास करेंगे कैसी परिस्थितियां क्यों हुई, जबकि माहौल लग रहा था कि काफ़ी अच्छा कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी और इवन राजस्थान में भी अच्छा करने की उम्मीद थी। अब सवाल आया कि आज जो विपक्ष के नेता हैं ठाकुर जयराम जी या भाजपा के जो लोग इसको लेके हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से उत्साहित नजर आए, मैं समझता हूं कि हम अपने राज्य से संबंधित बात कर सकते हैं कि यहां क्या परिस्थितियां थी। जयराम जी ने आज प्रेस वार्ता के जरिए एक साल के कार्यकाल को और कांग्रेस सरकार के और जो कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटियां लोगों के सामने रखी थी उसको लेके काफी तीखी बातें कही। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि 5 साल तक आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भाजपा की सरकार रही। 1 वर्ष पहले लोगों ने आपको बाहर का दरवाजा दिखाया और कांग्रेस पार्टी की सरकार लोगों के सहयोग से बनी। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में सिरमौर कांग्रेस के विशेष बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आगामी चुनाव लोकसभा को लेकर यहां पर मंथन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष विनय कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं हर्षवर्धन ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा सरकार ने करीब 10,000 करोड़ के MOU यहाँ पर साइन किए और विस्तृत रूप से जो है वो संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे सक्रिय किया जाए और वर्करों में जो मनमुटाव है या नाराज़गी है उस पर विस्तृत रूप से बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो है हमने कार्यकर्ताओं को आदेश दिए हैं और जहाँ विकास की कमियाँ हैं या कोई त्रुटि है, कमी है, उसको ठीक करने की हमने बात की है। एक इस विषय पे ज़िला कांग्रेस कमेटी में बात हुई और हमने फैसला किया है कि ज़िला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग जो है हर 3 महीने में एक बार जो है वो हमेशा रूटीन में होती रहेगी। बदी में पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ा है, जिसके तहत पुलिस लगातार अवैध नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते बोरोटीवाला पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से अवैध शराब की भारी खेप पकड़ी है और मौके से आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।